हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर के.एस.चौगुले और हमारे चैनल डॉक्टर कंसल्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंटी सिंथेटिस सिंड्रोम, इस बीमारी के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं कि एंटी सिंथेटिस सिंड्रोम क्या होता है इसके बारे में। तो एंटी सिंथेटिस सिंड्रोम एक तरह की ऑटो इम्यून बीमारी है जिसके अंदर मोस्टली तीन तरह के सिम्टम्स और साइंस दिखाई देते हैं। उसमें से सबसे पहला होता है इंटरस्टिशियल लंग डिसीज़, मतलब कि फेफड़ों या फिर लंग्स के रिलेटेड जो भी साइंस और सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि सांस फूलना या फिर खांसी होना, इस तरह के लक्षण उस पेशेंट में हो सकते हैं। इसी के साथ साथ डर्मेटोमायोसाइटिस और पॉलीमायोसाइटिस, इस तरह के लक्षण भी उस पेशेंट में देखे जा सकते हैं। अभी डर्मेटोमायोसाइटिस के अंदर क्या आता है, जो भी सिम्टम्स हम स्किन के ऊपर दिखाई देते हैं हमें, यानी कि स्किन के ऊपर कोई जख्म सा बन जाना या फिर वहाँ पे डिसकलरेशन होना, वहाँ पे डिसकलरेशन के साथ साथ उस पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा दर्द होना, पेंस होना, ये सब चीज़ें डर्मेटोमायोसाइटिस के अंडर आती है। इसके साथ साथ पॉलीमायोसाइटिस के अंदर इस तरह के लक्षण आते हैं, जो कि पूरे बॉडी के अंदर जो अलग अलग जगह पे मसल्स है, उन मसल्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा पेन होना। इस तरह से तीन प्रकार के लक्षण उस पेशेंट में देखे जाते हैं। एंटी सिंथेटिस सिंड्रोम मोस्टली फीमेल्स में देखा जाता है, मेल्स में भी होता है, लेकिन फीमेल्स में इसके ज़्यादातर केसेस पाए जाते हैं। फीमेल्स में ये होता है, ये तो एक बात होगी। दूसरी बात ये है कि एंटी सिंथेटिस सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जिसको हम अर्ली स्टेज में डायग्नोस नहीं कर सकते, क्योंकि इसके जो साइंस और सिम्टम्स आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बाकी बीमारियों के साथ इतने ज़्यादा तालमेल खाते हैं कि डायग्नोसिस करना मुश्किल होता है। और हम शुरुआत के फेज़ में इस बात को कंफर्म नहीं कर सकते कि एक्चुअली ये एंटी सिंथेटिस सिंड्रोम ही है या कोई और बीमारी है। इसके बाद हम बात करेंगे कि एंटी सिंथेटिस सिंड्रोम किस वजह से या फिर किस कारण से होता है इसके बारे में। सबसे पहली बात की, जैसे मैंने शुरुआत में बोला, एंटी सिंथेटिस सिंड्रोम एक ऑटोइम्यून तरह की बीमारी है जिसके अंदर उस पेशेंट के बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज़ है वो खुद के ही बॉडी के कुछ सेल्स को, स्पेसिफिक सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। पर्टिकुलरली अगर इस बीमारी की बात करें तो इस बीमारी के अंदर उस पेशेंट के बॉडी के अंदर कुछ इस तरह के एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं जो कि उस पेशेंट के बॉडी में जो बाकी अमाइनो एसिल टी आर एन ए सिंथेटिस के जो सेल्स होते हैं या फिर जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। इसके अंदर जो मोस्ट कॉमन एंटीबॉडी होती है जो कि अमाइनो एसिल टी आर एन ए सिंथेटिस को डिस्ट्रॉय करने का काम करती है, उसको एंटीजो वन ऐसे नाम दिया गया है। इसके बाद हम बात करेंगे कि एंटी सिंथेटिस सिंड्रोम के साइंस और सिम्टम्स यानी लक्षण क्या होते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले उस पेशेंट में सांस फूलना, यानी कि फेफड़ों से रिलेटेड जो भी लक्षण होते हैं वो लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि सांस फूलना, उस पेशेंट को खांसी आना, सांस लेने में तकलीफ होना, छोटे जॉइंट्स के ऊपर थोड़ी बहुत स्वेलिंग होना और बॉडी के अंदर जो जॉइंट्स हैं उन जॉइंट्स के अंदर उस पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इसी के साथ साथ उस पेशेंट की बॉडी के ऊपर जो स्किन होती है वो स्किन काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाती है और उस स्किन के ऊपर कुछ क्रैक्स भी देखे जाते हैं। तो ये कुछ मेन लक्षण हैं जो कि एंटी सिंथेटिस सिंड्रोम के पेशेंट में देखे जाते हैं, और ये लक्षण मोस्टली तीन तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो इंटरस्टिशियल लंग डिसीज़, जिसके अंदर लंग्स से रिलेटेड जो भी साइंस और सिम्टम्स है वो आएंगे। इसके बाद इन्फ्लेमेटरी मायोपैथी, जिसके अंदर उस पेशेंट के मसल्स के अंदर जो स्वेलिंग आती है उसके वजह से होने वाले सिम्टम्स आते हैं। और लास्टली होता है पॉलीआर्थराइटिस, जिसके अंदर उस पेशेंट के बॉडी के अंदर जो जॉइंट्स हैं उन जॉइंट्स के ऊपर स्वेलिंग होना, उन जॉइंट्स के अंदर दर्द होना, ये साइंस और सिम्टम्स आते हैं। तो मोस्टली इस तीन तरह के जो साइंस और सिम्टम्स है ये इस पेशेंट के अंदर हम देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे एंटी सिंथेटिस सिंड्रोम को किस तरह से डायग्नोस किया जाता है इसके बारे में। सबसे पहली बात तो उस पेशेंट को ठीक से फिजिकली क्लिनिकली एग्जामिन करना है और उसकी प्रॉपर मेडिकल हिस्ट्री लेनी है। इससे कुछ हमें पॉजिटिव फैक्टर्स पता चल सकते हैं जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से उस पेशेंट के अंदर जो ऑटोइम्यून प्रोसेस को स्टिमुलेट करने का काम करते हैं उनको हम उस पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन से कुछ हद तक डिटरमाइन कर सकते हैं। हर पेशेंट में ये हर बार पॉसिबल हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ केसेस में ऐसे देखा गया है। एंटी सिंथेटिस सिंड्रोम को डायग्नोस करने के लिए हम उस पेशेंट में कुछ ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि क्रिएटिनिन काइनेज को चेक करना, इसके बाद इलेक्ट्रोमायोग्राफी करना और एंटीजो वन एंटीबॉडी की टेस्टिंग करना। इसके बाद हम उस पेशेंट में मसल बायोप्सी कर सकते हैं या फिर लंग बायोप्सी भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ सीटी स्कैन भी किया जा सकता है और पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि उस पेशेंट में साइंस और सिम्टम्स कौन से आ रहे हैं। तो जिस तरह के साइंस और सिम्टम्स उस पेशेंट में आते हैं उस तरह से हम डिटरमाइन करते हैं कि उस पेशेंट में डायग्नोस करने के लिए किस तरह का टेस्ट किया जाना चाहिए इसके बारे में। तो ये तो हो गए बात डायग्नोसिस के बारे में, और फाइनली अब हम बात करेंगे एंटी सिंथेटिस सिंड्रोम के ट्रीटमेंट के बारे में। तो एंटी सिंथेटिस सिंड्रोम को पूरी तरह से ठीक करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि एंटी सिंथेटिस सिंड्रोम, जैसे मैंने शुरुआत में बोला, एक ऑटोइम्यून बीमारी है। एंटी सिंथेटिस सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जिसको हम दवाइयों की मदद से कंट्रोल तो कर सकते हैं, लेकिन इसको पूरी तरह से ठीक करना
काफ़ी मुश्किल होता है और लगभग नामुमकिन भी वो होता है कुछ केसेस में। मेडिसिन लेने के बाद इस तरह के पेशेंट में कुछ दिनों तक बहुत आराम होता है, लेकिन कुछ हफ्तों बाद या फिर कुछ महीनों बाद उस पेशेंट में इसी तरह के एंटी सिंथेटिस सिंड्रोम की वजह से आने वाले साइंस और सिम्टम्स फिर से एक बार दिखाई देने लगते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि एंटी सिंथेटिस सिंड्रोम को ट्रीट करने के लिए कौन से मेडिकेशंस दिए जाते हैं इसके बारे में। तो एंटी सिंथेटिस सिंड्रोम, जैसे कि हमने बोला कि ऑटोइम्यून बीमारी है, इसलिए खुद के बॉडी के अंदर जो एंटी जो वन एंटीबॉडीज़ बन रही है उनको रोकने के लिए हम उस पेशेंट में कुछ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी दे सकते हैं जो कि स्टेरॉइड्स होते हैं। हम कुछ इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स दे सकते हैं जो कि हमारे बॉडी की इम्यूनिटी को सप्रेस करने का काम करते हैं, जैसे कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, इसके अंदर प्रेडनिसोलॉन या फिर मिथिल प्रेडनिसोलॉन, इस तरह की दवाइयाँ आती है। अगर किसी पेशेंट में एंटी सिंथेटिस सिंड्रोम की बीमारी काफ़ी बढ़ गई है तो फिर उस पेशेंट में एज़ाथियोप्रिन और मेथोट्रेक्सेट, इस तरह की मेडिसिन को भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ उस पेशेंट को बाकी भी कुछ सपोर्टिव मेडिकेशंस भी दी जाती हैं, जैसे कि मल्टीविटामिन देना या फिर एंटासिड्स देना या फिर बाकी जो भी उसके साइंस और सिम्टम्स आ रहे हैं उसके हिसाब से अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर उस पेशेंट को पेन्स को कम करने के लिए एनएसएआईडी, फिर नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, इस तरह की मेडिकेशंस भी दे सकते हैं। इस बीमारी का प्रोग्नोसिस या फिर फ्यूचर में इसे कहाँ तक ठीक किया जा सकता है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उस पेशेंट में पल्मोनरी डैमेज कौन सी हद तक हुआ है या फिर किस एक्सटेंट तक हुआ है। अगर किसी पेशेंट में काफ़ी ज़्यादा पल्मोनरी डैमेज हुआ है तो फिर उस पेशेंट में इस तरह से एंटी सिंथेटिस सिंड्रोम को पूरे तरह से ठीक करना काफ़ी नामुमकिन होता है। और अगर इनिशियल स्टेज है, ठीक से शुरुआत में अगर ट्रीटमेंट हम शुरू कर देते हैं तो इसके साइंस और सिम्टम्स को काफ़ी ज़्यादा हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। और अगर हम बात करें एंटी सिंथेटिस सिंड्रोम के वजह से कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं इसके बारे में, तो सबसे पहली बात कि एंटी सिंथेटिस सिंड्रोम की वजह से उस पेशेंट में पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो सकता है, इसी के साथ साथ पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी उस पेशेंट में हो सकता है। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस है जो कि एंटी सिंथेटिस सिंड्रोम की वजह से हो सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने बात की है एंटी सिंथेटिस सिंड्रोम इस बीमारी के बारे में, एक तरह के ऑटोइम्यून की बीमारी है। अगर आपके इसके विषय में कुछ डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन थैंक यू वेरी मच।